जिले के उन्नत किसान के कृषि फार्म पर पहुंचे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शिवपुर प्रवास पर पहुंचे भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तत्पश्चात कृषि विकास के लिए नए आयाम गढ़ रहे उन्नत किसान देवी शंकर सोनी के फार्म हाउस पर पहुंचकर भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने नेट हाउस देखा। उन्होंने बताया कि 28 लाख के प्रोजेक्ट पर 25 लाख की सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई, साथ ही सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर भी 50% सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जहां किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने किसान द्वारा प्राकृतिक तरीके से लगाए गए जामफल के बगीचे को भी देखा। इस अवसर पर किसान देवी शंकर द्वारा बताया गया कि इनको 2 एकड़ में कृषि कार्य पर 4 लाख रुपए के लगभग का लाभ प्राप्त हुआ है, जहां योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने पर किसान द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। मैं देवी शंकर सोनी शिवपुर का निवासी हूँ, जेदा में मेरी जमीन है। तो क्या करते हैं और कैसे किया आपने? सर ये नेट हाउस है, तो इसमें मैं खीरा लगाता हूँ। तो ये कितनी जगह में आपने लगाया है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये 1 एकड़ है, करीब 2 बीघा जमीन है। इसका बीज के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? बीज इसका अहमदाबाद से आता है, तो मेरे कंपनी ने नाम दिया था, तो अपने इंदौर में नवकार वाला, तो उसके थ्रू बीज आता है यहाँ पर। बीज इसका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि एक बीज 7 रुपये का है, इसका 70,000 रुपये का बीज लगता है इसमें। बीज को तैयार किस तरह से करते हैं? बीज को मैं ट्रे में कोकोपीट द्वारा बीज में ट्रे में तैयार करके ट्रे उठा लाए भाई साहब। अभी दिखा देना आपके किस तरीके से। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका बीज का वो पैकेट मंगा दूं, डिब्बा रखा बोलो कितना लाभ भाई साहब हो जाता है इसमें? करीब 4 से 5 लाख रुपए का करीब। ये नीचे जो नली और पॉलीथिन ये दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? थोड़ा सा ये ड्रिप द्वारा सिंचित होती है पूरी, पानी इसमें की नाम है, बूंद बूंद से पानी जाता है। इस खेती को अपन करते कैसे, इसको पूरा विस्तार से समझा दें। इसके लिए पहले तो बीज मंगाया जाता है, बीज के बाद अपन इसकी पौध तैयार करते हैं, पहले तो कोकोपीट द्वारा पौध ट्रे में, तो ये करीब अपन बेड बनाया जाता है नेट हाउस में डोली, तो इसमें ड्रिप द्वारा लाइन जाती है, फिर ऊपर पन्नी मल्चिंग होती है, तो मल्चिंग द्वारा इसमें गड्ढे कर दिए जाते हैं, तो इससे खरपतवार बिल्कुल नहीं हो पाता, और जिस जगह अपन को पौधा लगाना है उस जगह गड्ढा करके पौधा ये निकाल के पौधा रोप दिया जाता है। बाकी ड्रिप का जिस जगह बूंद रिसाव करती है तो पानी अपने आप उसी द्वारा, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस ड्रिप के द्वारा ही होता है, इसमें दवा खाद वगैरह जो भी पूरा ड्रिप जरूरी होता है। इसमें प्रति बीघा आपको जो बचत होती है, इसमें करीब 2 से 2.5 लाख रुपए बीघा के आसपास बैठता है इसमें। और इससे सरकार से क्या फायदा मिला आपको? सरकार से मेरे को उस टाइम पे 90% सब्सिडी आई थी मेरे पास, मेरी लागत स्टार्टिंग में लिया था लेकिन मेरे को वापस पैसा आ गया था। कितनी लागत जमा करवाई थी और कितना रिटर्न किया? मेरा आधा पैसा गया था इसमें, 14 करीब 28 लाख का ना, 14 लाख रुपये जमा कराया था। तो वापस कितना है आपके पास? मेरे पास 2 वो करीब 3 20 कटा मेरा, बाकी रिटर्न दे दिया। इसको बेचने के लिए आप क्या करते हैं? इसको बेचने के लिए मैं कुछ तो शिवपुर में इतनी खपत हो नहीं पाती जब आती तो, ये तो या तो सवाई माधोपुर बेचता हूँ या फिर कोटा। किसान मोर्चा के प्रशिक्षण के बाद हमारे जिलाध्यक्ष सहित हमारी पूरी टोली यहाँ माननीय देवी सिंह जी जो इस पॉली हाउस में उनकी खेती हम देखने आए और बड़ी खुशी हुई। 1 एकड़ में लाखों रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन उस 1 एकड़ में सरकार के द्वारा भी एक किसान को 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का धन्यवाद देता हूं, और साथ में किसानों से भी अपील करता हूं कि ऐसी खेती आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पूरा मैदान है, और इससे हमारे किसान पानी की कम खपत हो रही है, बिजली की कम खपत हो रही है, अन्य चीज़ों की कम लागत लग रही है, और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसको लाभ भी ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे आग्रह करता हूं कि देवी शंकर जी जैसे किसानों से प्रेरित होकर आप इस प्रकार की खेती करें और खेती को लाभ का धंधा बनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं।